सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे आइए हम आज लेसन 2 आम का पेड़ पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने लेसन को समझा था और क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम उसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं ग्रामर से रिलेटेड उसको हम समझेंगे। हैं? ओ आम का पेड़ लेसन 2 हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 16 में आप देखेंगे भाषा की बात, प्रश्न 4-5 समझेंगे। इसमें प्रश्न 4 में पूछा जा रहा है रसीला। अब रसीला है जो कि संबोधित कर रहा है पुरलिंग को। रसीली जो कि संबोधित कर रही है स्त्रीलिंग को। रसीले यानी कि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों बहुवचन है, दोनों लिंग है। तो जैसे कि रसीला, ला में आप देखेंगे रेड कलर का मार्क जो है ये पुरलिंग को संबोधित कर रहा है यानी कि लड़के के लिए। रसीली यानी ला में बड़ी की मात्रा है, ये लड़की को संबोधित कर रहा है। रसीले, रसीले में आप देखेंगे कि ये बहुवचन को संबोधित कर रहा है। जा बच्ची बच्चे, क्या ये सही है मैडम जी? अब आप देखेंगे यहाँ पे लिंग बताया जा रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे थे लड़का और लड़की, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, पुरलिंग। तो हम यहाँ पे समझेंगे लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा जो है संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब कि जिस संज्ञा से, जिस रूप से हम व्यक्ति को पहचान सके कि वो लड़का है या लड़की है, की है या का है, तो उससे हम पहचानते हैं संज्ञा से। जैसे कि हम नाम में यहाँ देखेंगे माता पिता, तो माता क्या हुई स्त्रीलिंग हुई और पिता क्या हुए पुरलिंग हुए। दादी स्त्रीलिंग, दादा पुरलिंग। अध्यापिका यानी टीचर, अध्यापिका अध्यापक। अब यही हम जानवर के इसमें देखेंगे तो शेरनी शेर, बकरी बकरा। कुर्ता कुर्ती। प्रश्न 5 में यहाँ पूछ रहा है समझिए और लिखिए, और आप भी इस क्रिया की परिभाषा को याद करेंगे। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिस शब्द से हमको पता चले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपके शब्द में जो विषय है, जो क्रिया है, उसे सामने वाला समझेगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, उसे समझाना क्या चाह रहे हैं। अब इसमें जैसे पहले दिया हुआ है लाइन खा पाते हैं, मुख्य क्रिया है इसकी क्या है खाना। एक शब्द है, एक लाइन है खा पाते हैं, इसकी क्रिया कौन सी हुई खाना। तो इसमें जो हमारे पास ये 3-4 लाइन दी हुई है इसमें से हमको क्रिया ज्ञात करना है कि उस लाइन में क्रिया क्या है। पकते रहते हैं तो इसमें क्रिया क्या हुई पकना। टूट जाती है तो इसमें टूटना क्या है क्रिया। दुखता रहता है इसमें क्रिया क्या है दुखना। यदि उदाहरण के रूप में यदि मैं आपसे बोलूं कि रहता है तो ये क्या रहता है, मतलब सिर दुखता रहता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं दुख रहा है तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने बिना क्रिया के क्या लाइन कही है, क्या शब्द कहा है। इसलिए क्रिया जरूरी है आपके शब्द को समझाने के लिए। दूसरा है सड़ते रहते हैं, इसमें क्रिया क्या है सड़ना। उग आते हैं इसमें क्रिया क्या है उगना। क्रिया ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं। अभी जैसे उदाहरण के लिए मैंने किया था कि क्या हो रहा है ये, या तो मैं खुजा रही हूँ, या तो मेरा सिर दुख रहा है, या तो मैं परेशान हूं। तो जब तक मैं अपने शब्द में आपको क्रिया संबोधित नहीं करूंगी, क्रिया का बोध, क्रिया का
ज्ञान नहीं कराऊंगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए दुखता रहता है, खुजा रहा है, जब क्रिया ऐड करना पड़ेगा हमको, क्रिया के साथ अपना शब्द कहना। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।